सोचिए क्या बीत रही होगी उन परिवारों पर जिनके दो बच्चियां घाघरा नदी के अंदर लापता हो गए। चिउतिया पर्व था बुधवार को, उसी में यहाँ पर स्नान करने बालिकाएं आई हुई थी और दो बालिकाएं घाघरा नदी में तेज बहाव था उसमें बह गई। तब से चार दिनों से पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है लेकिन उन बच्चियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। नमस्कार, मैं विशाल अवस्थी। आज हम मौजूद हैं कारीकोट न्याय पंचायत के, जो कि तहसील मोतीपुर के अंडर में आता है। और ये देखिए, ये मोरवा घाट है, यहाँ पे SDRF की टीम आ चुकी है, साथ में PSC है, SSB की टीम है, जो लगातार बालिकाओं को जो नदी में डूबी थी सीमा और लाली उनको पता लगाने के लिए अपनी जितोड़ मेहनत कर रही हैं। पुलिस क्षेत्र अधिकारी हीरालाल कनौजिया भी मौके पर मौजूद हैं, थाना प्रभारी सुजोली हरीश सिंह, उप निरीक्षक रविशंकर, शैलेंद्र सोनकर के साथ काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं, उनके साथ क्षेत्रीय ग्रामीण और पत्रकार बंधु भी हैं, जो लगातार अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। लेकिन लगातार बारिश भी हो रही है, पिछले दो दिनों से बारिश है और जिसके चलते नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, साथ में कभी कभी कम हो रहा है। बालिकाओं का पता नहीं चल पा रहा है। सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे यानी बच्चियां चार दिनों से अपने परिवारों से भी जुदा है। ये सोच लीजिए कि उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। खैर, मौके पर तहसीलदार आए हैं, परिजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस बंधाया है। क्षेत्रीय प्रधानों के द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है और उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आज चौथा दिन है और यहाँ पर भी देख लीजिए कि PSC की टीम और SSB की टीम एक बार फिर तलाश करके वापस आ चुकी है लेकिन अभी तक बच्चियों का पता नहीं चल पाया है। बंद कर दिया मोटर, टिकट करा रहा, सब वीडियो बनाना चल रहा है।